मेरे साथ है यहाँ लास्या बैंड की बात है तो लास्या वाओ वुमनिया भारत का पहला बैंड जो कि नॉर्थ इंडिया के फोक पर बेस्ड है. सारे सुर हैं, सारे रंग हैं. जो मेरे साथ है यहाँ पर सुनीता जी, जिन्होंने अपनी सोच को आवाज नहीं दी, सोच को सुर दिए. आपका वेलकम है इन द स्टूडियो. बहुत बहुत शुक्रिया जी. तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ सुपर 16 बनते हुए, क्योंकि आपके साथ बनी है बाकी की सुपर 16 भी. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमने एक काम किया, जो इनिशिएटिव लिया, उसको एक रिकग्निशन मिल रही है. हम सुपर हो गए हैं. हाँ. और हमारी सारी की सारी टीम अब सुपर 16 टीम में हम शामिल हो गए हैं. सुपर, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, अचीवमेंट है. अच्छा लग रहा है, हम सबको बहुत प्रसन्नता है. अब हमारे चेहरे देख सकते हो, सब बातचीत खिल रही है. मेरा चेहरा नहीं नजर आएगा, बैकग्राउंड से बीच में बताते हैं. सो यहाँ पर लास्या वाव वुमनिया. पहले वाव वुमनिया होता था, लास्या वाव वुमनिया कैसे हुआ सुनी कर? एक्चुअली वाव वुमनिया नाम से हमारा एक टैलेंट हंट शोज सीरीज ऑफ शोज रहा. अच्छा. हमारी एक एनजीओ है अंकित धारीवाल मेमोरियल ट्रस्ट, उसी के अंदर हमने महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए वाव वुमनिया सीरीज हमने स्टार्ट किया. Okay. वो टैलेंट हंट था, उसमें हमने हरियाणा के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में किया. हमने 14 शोज किए. ओके. टैलेंट हंट की फिर बहुत सारे शोज की तो परफॉर्म भी किया. उन महिलाओं को हमने परफॉर्म कराया जो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे एक मंच मिलेगा. ओके. रूरल में, गांव में जाकर के बहुत सारे हमने टैलेंट खोजा. फिर ये था कि जब ये सिलसिला खत्म हुआ हमारा वाव वुमनिया स्वर्ण जयंती का. ओके. तो फिर ये आया कि अब इसको लगातार निरंतरता हम इसको कैसे दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सपने अब अपने साथ लेकर चल रहे थे. तो ये इनिशिएटिव था कि इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं. और इसके सब लड़कियां बोलती थी कि मैम अगर शोज खत्म उसके बाद हम क्या करेंगी. तो हमें लगा कि नहीं, हमें इसको आगे बढ़ाना है. अब इतना सक्सेसफुल हमारा सीरीज हुआ है तो अब फिर हमने उस पर काम किया कि हम इसको एक प्रोफेशनल बैंड हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. ओके. ताकि उसमें हमारे कई पर्पस सॉल्व हो रहे थे. वन इज की हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उसके तहत हम लोग वुमेन को मोटिवेट करने का मैसेज दे सकते थे एक मंच के माध्यम से. फिर हमने वुमेन के लिए, जो वुमेन हमारी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, उनके लिए इनकम जनरेटिंग सोर्स पैदा करने के लिए, उनको एक वाइडर प्लेटफॉर्म देने के लिए फिर हमने इस वाव वुमनिया बैंड का गठन किया. लेकिन चूंकि वाव वुमनिया शब्द था वो बिल्कुल एमेच्योर और घरेलू महिलाएं वो सब गा रही थी, जबकि इसको प्रोफेशनल बैंड होना था. ओके. तो हमें उस सीरीज ऑफ प्रोग्राम से इसको अलग करना था. हमें इसको प्रोफेशनल बैंड है तो डेफिनेटली वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हमें लेके जाना था. Yes. और फिर हमें था कि सबसे उपयुक्त इसका नाम क्या रहेगा, तो फिर हमने लास्य नाम चुना अपने बैंड के लिए. लास्य का मतलब, लास्य का मतलब है कि देवी पार्वती द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य है वो लास्य कहलाता है. जैसे शिव का तांडव कहते हैं ना. Okay. तो लास्य शिव देवी पार्वती द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और गायन और नृत्य का मिश्रण होता है. ओके. तो जो हमारा बैंड है, जो हमारी बेटियां हैं, महिलाएं हैं जो इससे जुड़ी हैं, जो वो गाती हैं, थिरकती भी हैं, सुंदर हैं और बहुत खूबसूरत गाती हैं, तो एक सम्मोहन सा बन जाता है, एक समा बनता है लास्य. उसमें एक पवित्रता झलकती है. पार्वती को देखते हैं तो हमें बहुत नजाकत, बहुत श्रृंगार और एक बहुत पवित्र सी महसूस होता है. राइट. तब हमने उसके नाम को लास्य किया और धीरे धीरे इस बैंड का असल नाम लास्य ही है. धीरे धीरे वाव वुमनिया को हम थोड़ा पीछे करते जाएंगे, क्योंकि जनरली कोई वाव वुमनिया स्ट्रेस कर रहा था तो वो हमारा वो दिख रहे थे. तो उनको लगता था कि ये इतनी बड़ी महिलाएं क्या करेंगे बैंड में. तो फिर हमें लास्य, धीरे धीरे वी विल कन्फाइन टू लास्य. बेसिकली आवर बैंड नेम इज लास्य, ताकि वो रिकग्निशन वाव वुमनिया वाली भी बनी रहे. तो इसलिए हमने उसको वाव वुमनिया कहा. वो भी एक स्टोरी है कि वाव वुमनिया जब हमने कहा तो जिन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा था उन्होंने खड़े होकर के बोला, वाव वुमन यू हैव डन वाव वाव, ऐसे करा जब हमारे दिमाग में नाम आ गया वाव वुमनिया. अच्छा, उससे पहले ऐसे ही परफॉर्म कर रहे थे आप? बड़ी खराब होती है फीमेल्स, जैसे दिल करता कहती पहले चल पे हो, दिमाग सोचा जाएगा, मन में आना चाहिए. बस एक बार ठान लिया तो फिर तो शुरू हो ही जाते. महिलाएं दिल से सोचती है ना एक्चुअली. तो हम सारे फीमेल्स ही हैं, अगर तारीफ करने में आए तो कोई नहीं रोक पाएगा हमें, दरवाजे निकल जाएंगे यहाँ से. बिल्कुल, ये है क्योंकि हम लोग जब दिल से सोचते हैं ना तब हम उसका नफा नुकसान नहीं सोचते. राइट. हम सोचते हैं कि बस करना है हमको. जब हम करने की तरफ बढ़ते हैं तो फिर ईश्वर है, फिर सपोर्ट है, सब लोग हैं. अब जैसे एक चीज हमने सोच ली तो मैं अकेली भी क्या कर सकती थी, तो मेरे साथ जो इसी
बैंड को फाउंडर के रूप में मेरे साथ जुड़े डॉक्टर अरुण कांत म्यूजिक डायरेक्टर हैं, क्योंकि हमने इनको कैपेसिटी को बिल्ड करना था गर्ल्स की, क्योंकि तो रॉ टैलेंट आ रहा था, उनको पॉलिश करना, इंटरनेशनल लेवल तक उनकी परफॉर्मेंस को पहुंचाना, तो हमें बहुत सारी टीम की जरूरत थी। तो डॉक्टर अरुण कांत से मैंने शेयर किया, उनको आइडिया बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत ही प्रिय फ्रेंड है मिसेज नीलम खोखा, बगल में मेरे साथ बैठी है, उनसे मैंने आइडिया शेयर किया, तो शिवस दीवान की नहीं कुछ भी हो जाए अब हमें इसको करना है। बाकी आगे हम नीलम से पूछने वाले कि उनको क्या क्या कुछ कुछ लगा था, तो माइक थोड़ा सा आप शेयर कर लेंगे प्लीज। और मेरे साथ में जो आए हुए हैं उनका भी परिचय भी करवा देते हैं। प्रीटी वुमेन्स मेरे साथ जो है, यस जसप्रीत है हमारे साथ, श्वेता हमारे साथ है, यस ईशु बैसल, सबको नमस्ते। जपिया पुणे में थे, बटन फड़े हुए नहीं थे, आगे शुरू कर देंगे। यस पिंक कलर में लास्य पहना हुआ है ना, और मुस्कुराती हुई मेरे साथ है। सो बताओ तो सही कि आप को फाउंडर हो लास्य के, तो कैसे मुलाकात हुई और कैसे इस सोच को शेयर किया, क्योंकि इंसान की एक सोच तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक उसको एक्चुअल में क्लोथ पहनाने के लिए कोई नहीं है, जब उसको रूप रेखा देने के लिए कोई नहीं है, जब उसको बनाने के लिए कोई नहीं। सो क्रेडिट आपको जा, थैंक यू सो मच। हम लोग वोमानिया में साथ रहे और उसके बाद हमने बैठ के डिसाइड किया कि जो हमारे पास यंगस्टर बच्चे थे तो वो चाहते थे कि हमें कोई प्लेटफॉर्म मिले। ओके, तब हमने गार्डन में बैठ के ऐसी प्लानिंग की मेरे गार्डन में अच्छा कि यार कुछ करते हैं। फिर सुनीता ने बोला एक बैंड बनाते हैं, मैंने कहा बैंड बना सकते हैं, बोले नहीं बना क्यों नहीं सकते, सब कुछ कर सकते हैं। और हमने उसी दिन जाके सबसे पहले कॉस्ट्यूम खरीदे। अरे वाह, अरे वाह, मतलब आपकी तो बहुत सबसे ज्यादा जरूरत थी। हमने कॉस्ट्यूम डिसाइड किया, पूरे थान और सब कुछ कपड़ा गया। पहला कौन सा रंग चूज किया था आपने? ब्लू, मजेंटा, और सी ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है। तो हमारे पास, मेरे घर के पास सामने बुटीक है, तो उसके तो चांदी हो गई। नहीं, जब कपड़ा आ रहा था तो उन्होंने सोचा, अरे ये मिसेस खोखा तो कुछ खोल रही है, इतना कपड़ा आ रहा है, इतना कपड़ा खुद ही कोई बुटीक खुल रहा है, तो हर जगह इसकी पब्लिसिटी हो गई। कुइया के ठंडा पानी, पीपल के छावने, कुइया के ठंडा पानी, पीपल के छावरे, आई हो परदेसिया, सवेरे मोरे गावरे, सवेरे मोरे गावरे, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, आए रे मैं तेरे कुर्बान। झुरी झुरी बहने प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में हो, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, गलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, गलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे। झुरी झुरी बहने पवन पुर मैया, अमुआ की डरिया पे फुकरे कोयलिया, अमुआ की डरिया पे फुकरे कोयलिया, घन बसवरिया में, घन बसवरिया में बड़ा नेग छाओ रे, आई हो परदेसिया, सवेरे मोरे गाँव रे, सवेरे मोरे गाँव रे। ये गाने लोक गीतों को बेस लेकर के बनाए गए हैं, उन्होंने अपार लोकप्रियता हासिल की है। अब हमने बहुत सारे गाने, क्योंकि जब हम ज्यादातर मैंने फोक पे काम किया है पिछले 17-18 साल, फोक पे मैंने बहुत पढ़ा भी और बहुत सुना भी। ये जनरेशन तो बिल्कुल भूल गई, उनको लगता है ये बॉलीवुड है। हमने उनको दिखाया कि बॉलीवुड देखिए रूट यहाँ है,
तो बच्चों ने वो दोनों चीजें सुनी तो उनके लिए एक बड़ा एक नया अनुभव था और बहुत खुशी भी कि हम लोग जो गाएंगी वो आपको आपके घरों तक, अपने रिश्ते नातों तक ले जाएगा, आपकी सोल तक ले जाएगा, आपकी बहुत सारे अनुभवों तक ले जाएगा, आपकी मिट्टी तक ले जाएगा, आपके देश प्रेम तक ले जाएगा, लेकिन ये मजे तक बैंड बिल्कुल नहीं ले जाएगा, आपको आनंद देगा। संगीत में जो आपकी रूह को आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, वो जरूर मिलेगा। छोटी सी उम्र पर नाई हो बाबू सा, छोटी सी उम्र पर नाई हो बाबू सा, कई थारो करो मैं कसूर हो, छोटी सी उम्र पर बहुत ही चैलेंजेस से भरी हुई और बहुत ही इमोशनल जर्नी होती है आई गेस हर फीमेल की। ये वो वाला गीत है जो कि आपको हमेशा बूस्ट अप चेयर अप करके रखता है। सो ये लास्य वाव वुमानिया गीत। मांगे जो बगुना प्रेम सनिया, बोले जो थोड़ी कटी हो कनिया, बोले जो थोड़ी कटी हो कनिया, बदले रुपया के देना जवनिया, हाय बदले रुपया के देना जवनिया, सैया जे झपट तो हो नहीं रंगिया, ओ ओ ओ, 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 ओ
मैं दिल से थैंक यू करती हूँ सुनीता जी आपका, नीलम जी आपका, एनएस मेरे साथ श्वेता है, जसप्रीत है, ईशु, यस एक बार इनकी हम जो एक्सपीरियंस आज, क्योंकि मैं तो अपने सीट से उछल के इधर आ गई हूँ इनके साथ। कैसा लगा? बहुत अच्छा, आप सबसे आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा। सारी माई एफएम के जितने लिसनर्स हैं उनको हमारी तरफ से नमस्ते। आप सब संगीत को इसी तरह से पसंद करते रहे, माई एफएम को भी सुनिए और लास्य बैंड को भी सुनिए। सो एक बार अपना नाम ले लेते हैं भाई, लास्य वाओ वुमनिया।